नमस्कार। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कांग्रेस सरकार को गिराने का ऑडियो वायरल होने के बाद सियासी घमासान थमता नहीं दिख रहा है। मुख्यमंत्री चौहान के ट्वीट के बाद अब पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट पर ही जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि कुछ लोग खुद को बड़ा धर्म प्रेमी बताते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि यही लोग सबसे बड़े अधर्मी और पापी हैं। गुरुवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने ट्वीट कर कहा, पापियों का विनाश तो पुण्य का काम है, हमारा धर्म तो यही कहता है, बोलो सियापति रामचंद्र की जय। चौहान के इस ट्वीट को इंदौर के रेजिडेंसी में सांबेर के कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के बाद मचे सियासी घमासान से जोड़कर देखा जा रहा है। भाजपा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी मां माधवी राजे की दूसरी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। सिंधिया की सेहत में सुधार हो रहा है और उन्हें 2-3 दिन बाद अस्पताल से डिस्चार्ज किया जा सकता है। सिंधिया और उनकी मां को कोरोना संक्रमण के चलते दिल्ली में साकेत के मैक्स अस्पताल में भर्ती किया गया था। दैनिक भास्कर ने मैक्स अस्पताल को फोन करके इसकी पुष्टि की है। अस्पताल प्रबंधक का कहना है कि अभी सिंधिया और उनकी माँ भर्ती है, इलाज चल रहा है। मध्य प्रदेश ग्वालियर के चंबल संभाग में बैंक ऑफ इंडिया की 3 ब्रांचों में कोरोना वायरस के संक्रमित कर्मचारी मिलने से ब्रांचों को बंद कर दिया गया है। दतिया में 10, शिवपुरी में 3 और मुरैना में 1 बैंक कर्मचारी संक्रमित मिला है। बताया जा रहा है कि शिवपुरी की करेरा ब्रांच के मैनेजर और मुरैना ब्रांच के 1 कर्मचारी दतिया ब्रांच गए थे, इनकी पहचान की जा रही है। इंदौर में गुरुवार को 101 साल के बुजुर्ग कोरोना संक्रमित पाए गए। संभवतः वे देश में सबसे उम्र दराज व्यक्ति हैं जो कोरोना से संक्रमित हुए हैं। बुजुर्ग लॉकडाउन में घर पर ही रहे, इसके बावजूद इस वायरस से संक्रमित कैसे हुए ये अभी पता नहीं चल पाया है। पेट दर्द की शिकायत के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां जांच करवाने पर उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके पहले इंदौर की 95 साल की दीदी कोरोना को मात देकर अपने घर लौट चुकी हैं। मध्य प्रदेश में अनलॉक 1 में ढील दिए जाने के बाद सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने का दुष्परिणाम सामने आने लगा है। प्रदेश में संक्रमित मरीजों की संख्या 10,000 को पार कर चुकी है। इंदौर में 3,922 मरीज हो गए हैं। भोपाल में आंकड़ा 2,131 पर पहुंच गया है। राज्य में अब तक 427 मरीजों की मौत हो चुकी है। प्रदेश के जिले में जिस तरह से संक्रमण फैल रहा है, उससे हालात चिंताजनक होते जा रहे हैं। पूरे प्रदेश में बाजार खुलते ही भीड़ देखने को मिल रही है, इससे संक्रमण का खतरा और ज्यादा बढ़ता गया। यहाँ लोग बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के घूम रहे हैं। सरकार द्वारा मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना वसूलने के आदेश दिए गए हैं, लेकिन ये शहरों तक ही सीमित है। कांग्रेस की कमलनाथ सरकार के तख्ता पलट को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ऑडियो वायरल होने पर सियासी पारा गरमाया हुआ है। कांग्रेस ने राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट तक जाने की बात कही है। कमलनाथ ने ट्वीट कर भाजपा पर आरोप लगाए हैं। गुरुवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने कहा, पापियों का विनाश तो पुण्य का काम है, हमारा धर्म तो यही कहता है, बोलो सियापति रामचंद्र की जय। राजनीति गलियारों में इसके अपने तरीके से अर्थ निकाले जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के सागर जिले में एक महिला अपने 2 मासूम को लेकर कुएं में कूद गई। इसमें 3 की पानी में डूबने से मौत हो गई। परिजनों को शवों के बाहर आने के लिए सुबह तक का इंतजार करना पड़ा। बताया जा रहा है कि पारिवारिक झगड़े के कारण वह नाराज थी। हालांकि खुदकुशी के कारण का पता अभी नहीं चल पाया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कथित ऑडियो वायरल होने के बाद सियासी पारा बढ़ गया है। अब पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी इस मामले में प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश की सरकार गिरने के षड्यंत्र में मोदी और अमित शाह भी शामिल थे, अपने इसका भंडाफोड़ कर दिया है, इसके लिए शिवराज जी आपका धन्यवाद। उन्होंने ट्वीट के जरिए कहा, अब ये साफ हो गया है कि जब मोदी जी को कोरोना से निपटने के लिए समय देना था, तब वो मध्य प्रदेश की जनता द्वारा चुनी गई सरकार को गिराने में व्यस्त थे। भोपाल में कोरोना के सबसे हॉटस्पॉट जहांगीराबाद में नगर निगम की टीम ने पॉलिश नाम के
स्पा सैलून पर नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की। सैलून की संचालिका पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया। संचालिका करिश्मा कम्मानी ने बिना अनुमति स्पा सैलून चालू कर दिया था। नगर निगम की टीम ने शिकायत मिलने पर गुरुवार दोपहर कार्रवाई की। हालांकि अधिकारी के बिना मास्क लगाए ही चालान करने पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। असल में नगर निगम के सहायक स्वास्थ्य अधिकारी अजय श्रवण ने भी मास्क नहीं लगाया था, जिस पर सोशल मीडिया पर आपत्ति की गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। गुरुवार को उन्होंने कहा था कि जनता से झूठे वादे कर सरकार में आई कांग्रेस ने अपने वचन पत्र के एक भी वादा पूरे नहीं किए, जिसके चलते उनका यह हश्र हुआ है। शिवराज सिंह चौहान पार्टी प्रदेश कार्यालय में 11 विधानसभा क्षेत्रों के प्रमुख कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा एवं प्रदेश संगठन महामंत्री सुहास भगत भी मौजूद थे। आर वॉइस मेघा।